खूंटा प्राइस कितना आ रहा है और एडजस्टर प्राइस कितना आ रहा है, हमारे घर में जितने एडजस्टर है। हाय कर दीदी, आप ही बता दीजिए थोड़ा। बता बता मेरी कैसे दीदी लगती हो, हमारा परंपरा कल्चर में कैसे एंगेजमेंट करते हैं। शब्दों नहीं कौन, प्राइस क्या रखे है बताओ ना, क्या प्राइस रखे है? सोना का कानपुर कानपुर। दोस्तों नमस्कार, हम तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है, एकदम मिड, गर्म भी नहीं ठंड भी नहीं, नहीं पापा। हाँ। और सुबह से हम लोग काम कर रहे थे, काम जाम हम लोग फिनिश कर लिए हैं। हाँ। मैं खाना वाना खा लिया हूँ, पापा अभी तक नहीं खाए हैं। पापा अभी खाने वाले हैं नहीं। और फिर से हमारा एरिया में जंगली एलिफेंट आ गए हैं, कल शाम को बोल रहे थे हमारा गांव के लोग। नहीं पापा, आज शाम को हमारा पूरा गांव का जंगल में एंट्री करेंगे ऐसा लग रहा है। और मैं अभी जाने वाला हूँ, हमारा गांव के पास में ही मार्केट हो रहा है, उधर मेरा काम में नहीं है दोस्तों, मेरा भाई का काम में मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा, उसका काम में ही मैं जा रहा हूँ। आज पहली बार मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जितने बार भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आया है तो बाइक को लेकर के, अगर इधर उधर जाने के लिए बाइक नहीं है तो उसको ही हम लोग बुलाते थे, तो आज उसका प्रॉब्लम हुआ है तो हम जरूर जाएंगे। नहीं पापा। तो आप खाना वाना खाइए, मैं रेडी होकर के जा रहा हूँ। चलो फाइनली हम लोग मार्केट पर पहुँच गए हैं। भाई का एक्चुअल काम है मोबाइल रिपेयरिंग करना और पैसे उठाना। अभी पैसे उठा रहे हैं भाई, बहुत तगड़ा उठा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मुझे गिनने के लिए बोल रहे हैं, मेरा हाथ कांप रहा है इतना सारा पैसे को देख करके। ठीक है, लगू से ले ले। तो यार इधर हम लोग एडवेस्टर और खूंटा साहब को देखने के लिए आए हैं। भाई भाई पिज्जा कर रहे हैं और हम लोग भी आगे बनाएंगे ना घर, कुछ दिन के बाद हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं भी थोड़ा बहुत पूछ लिया खूंटा प्राइस कितना आ रहा है और एडवेस्टर प्राइस कितना आ रहा है। हमारा घर में जितने एडवेस्टर है उतना में नहीं होगा दोस्तों, घर कम्प्लीट नहीं होगा। ये खूंटा लेना पड़ेगा और साथ में कुछ एडवेस्टर लेना पड़ेगा। इधर थोड़ा प्राइस सस्ता ही बोल रहा है, थोड़ा काम अच्छा लगा। आज का मार्केट पूरा तगड़ा भीड़ हुआ है दोस्तों, पूरा तगड़ा लोग हुए हैं। गाजर 510। वाओ कलरफुल कैबेज भाई, अगर ओरिजिनल कलर ना डुप्लीकेट कलर ओरिजिनल। वाओ देखने में दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखिए ये कलर, देखिए ये कलर, देखिए और साथ में ये रहा है पूरा ग्रीन। कहते कहते कोबी भी कलर का कभी है, देखिए ब्लैक। कल का मार्केट थोड़ा सस्ता ही चल रहा था लेकिन आज का मार्केट थोड़ा महंगा ही चल रहा है। हम तो कुछ भी मार्केटिंग नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो यार साथ में मेरा नया सूट को लेकर आया था, वही बस अभी टेलरिंग करने के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा बड़ा साइज हो रहा है, मैं जिस दिन खरीदा उसी दिन मार्क नहीं किया दोस्तों। साथ में ही तीन सूट मैं खरीदा था, एक सूट का साइज 30 था और दो सूट का साइज 34 था। तो 30 को देखकर ही मैं तीन सूट खरीदा, बाद में मुझे पता चला कि दो पीस 34 साइज का था। बस साइज को थोड़ा काम कर रहा हूँ। और कौन लग रहा है दोस्तों पहनने में, बड़ा हो रहा है ना। एक सूट को मैं पहले से ही टेलरिंग किया था, उसका भी थोड़ा मेजरमेंट प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, एक पैर का छोटा हो रहा है एक पैर का बड़ा हो रहा है। बस उसको ही थोड़ा अभी साइज करने जा रहे हैं भैया। पहनने के बाद पूरा पता चल रहा है दोस्तों, कौन सा पैर का बड़ा है कौन सा पैर का छोटा है। हाई करो कैमरे में, हाई करो बहुत क्यूट स्वाइल नहीं है। तो यार हम लोग मार्केट से वापस घर लौट कर आ गए हैं। अभी फिलहाल मैं चाचा का घर में हूँ, अभी वो और दूसरा साइड जाएंगे कुछ काम में ही दोस्तों। और ये रहा मेरी चाची, भाभी, भाई और ये दीदी। जब प्रेग्नेंट थी तब मैं गया था दीदी के पास मिलने के लिए, तब आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आप हम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताओ कि वो आपका साझा दीदी या क्या दीदी, आप लोग कमेंट कर रहे थे। मुझे तो पता नहीं है दोस्तों इतना अच्छे से हिंदी, दीदी आप ही बता दीजिए थोड़ा। बता थोड़ा अच्छे समझा दो कि मेरी कैसे दीदी लगती हो तुम। बता
आपको अच्छे से हिंदी आती है? नहीं आती है। बताओ चाची, आप ही बता दीजिए। ये मेरी चाची है और ये दीदी है, ये भाभी है। दोस्तों चाची की बेटी तो मेरी दीदी ही लगेगी ना। चाचा तो हमारा घर के पास में ही रह रहा है फिलहाल, उधर बेल फेल है ना, इसीलिए वो इधर नहीं आ रहा है। चाचा का घर देख रहे हो ना, कितना बड़ा घर है, बट वो छपड़ी में रह रहा है। उधर बेल फेल को रखे हैं, इधर रखने के लिए जगह नहीं है दोस्तों। इधर मेला फैला, बड़ा सा एक मेला बनाएंगे छपड़ी मेला, उधर बेल फेल सबको रखेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे फुल। पापा का बाल तो उसी दिन ही काट करके एकदम टोकाटोक काट लिया हूँ। आज पापा का बाल, सॉरी चाचा का बाल काटने जा रहा हूँ। सुबह सुबह ही उठते ही मुझे बोले कि आज मेरा बाल थोड़ा काट दो। आज चाचा का घर में कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और साथ में हमारा गांव में एक एंगेजमेंट हो रहा है, उधर भी इन्वाइट किया है चाचा को भी पापा को भी। तो ऐसे जाना उधर अच्छा नहीं लगा दोस्तों। इधर उधर से गेस्ट आएंगे ना, उतना सारा लोगों के सामने बैठ करके बातचीत करोगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो थोड़ा बंठन करके जाना ही अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से ही चाचा को भी थोड़ा काट करके टकाटक कर रहा हूँ। रेडी हो गए हैं चाचा, इधर मशीन फिशीन सब कुछ रेडी। यार बाइक खरीद कर पूरा 7 दिन हो गया है और थोड़ा पुराना ही दिख रहा है दोस्तों। आज मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बालू लग गया है, इसी वजह से थोड़ा पुराना ही दिख रहा है। आज मैं प्लान किया कि नहीं, आज थोड़ा धो करके चकाचक कर दूंगा, शाइनिंग नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा मन में भी दुख लग रहा है और थर्ड पार्टी भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा पुराना पुराना दिख रहा है। सेकंड हैंड खरीदे हो या नया बाइक खरीदे हो, इसे कुछ पूछ रहे हो तो थोड़ा अफसोस लग रहा है यार। नया बाइक खरीद कर आया हूँ और इसे पूछेंगे तो किसी को भी अफसोस दुख लगेगा ना। इधर पास में ही तालाब है दोस्तों, शैम्पू फैम्पू इधर जोरी में और ये रहा बाल्टी पानी। तो पा आप रेडी नहीं हुए? नहीं रेडी नहीं हुए। और कब रेडी होगे और कब जाओगे? जाप गए मैंने घोड़ा धुआ नहीं। हाँ हाँ धुआ तब रे सुबह विवाह ये कथावार्ता ये जा रहे हैं मैं। हाँ हाँ तो यार पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा हाथ पैर धोएंगे, नहा करके जाओगे बार में? हाँ, टाइम नहीं मिलेगा, एकदम नहा धोआ करके जाओ। हाँ, पापा बोल रहे हैं कि नहा धोआ करके मैं जाऊंगा वो एंगेजमेंट में। सभी लोग आ गए हैं हमारा गांव का लोग, सब लोग उधर आ गए हैं, गैदरिंग हो गए हैं और जो लड़के वाले आ रहे हैं वो लोग भी शायद आ गए हैं। मैं नहा करके आ रहा था जब, थोड़ा बहुत ही मैं उधर देखा था, उधर ढेर सारे लोग बैठ गए हैं, तो आप भी जाइए। हाँ हाँ हाँ, इधर उधर मैं जब भी जाता हूँ पापा, मैं जब तक नहीं लौटा हूँ तब तक घर में ही रहते हैं। मैं आने के बाद ही थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, उसके बाद ही इधर उधर पापा जाते हैं। पापा का मन में भी डर क्रिएट हो गया है, मेरा मन में भी डर क्रिएट हो गया है। हमारा एरिया में ही पूरा एक बड़ा डर क्रिएट हो गया है दोस्तों। एक्चुअल में एक इंसिडेंट हुआ है कुछ दिन हुआ, कल परसों को इंसिडेंट का एकदम रिजल्ट निकला नहीं पापा। हाँ। हमारा पड़ोस वाले गाँव का एक लड़का वो दूसरों का नया बाइक लेकर के घूमने के लिए गया था। उधर से लौटते समय हमारा इस गांव से शायद 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस में एक्सीडेंट हुआ। बॉडी में बाहर साइड में वैसे चोट दिखाई नहीं दे रहा था, बट अंदर साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, अंदर अंदर मेन मेन पार्ट में तगड़ा प्रेशर हुआ था। नहीं पा हाँ। वो बड़ा हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए थे, 7 दिन या 8 दिन आईसीयू में रखे थे। नहीं पापा हाँ। काल या परसों को डेथ हो गया। हाँ। काल नहीं परसों को डेथ हुआ ना। हाँ, बाप का इकलौता बेटा था दोस्तों। थोड़ा बहुत बता दीजिए हमारा परंपरा कल्चर में कैसे एंगेजमेंट करते हैं। नहा धोआ करके थोड़ा शॉर्ट में बताइए। नहा धोआ करके मैं जा रहे हैं, जो शब्दों नहीं कोनो जिनिस ठोठा घोघा खाली बाल्टी खाली घाघरा माने जल उठाना बंद सब 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 कुछ बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद, बस 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 2 घंटा। पापा बोल रहे हैं कि दोस्तों हमारा परंपरा कल्चर में अगर किसी का भी एंगेजमेंट हो रहा है, एंगेजमेंट वह कोई भी काम झाम नहीं करना चाहिए, आवाज़ फवाज टोटाली नहीं करना चाहिए, गाड़ी मोटर चलाना भी नहीं चाहिए और चिल्ला चिल्ला के बातचीत करना भी नहीं चाहिए। ये सब अगर कोई कर रहा है तो ये अशुभ का लक्षण है, सामने वाला सीधा सीधा मना कर देगा। आज जैसे लड़के वाले आ रहे हैं ना, उन लोगों को अगर पता चलेगा, उन लोगों को सुनाई देगा, तो उन लोग सीधे सीधे मना कर देंगे कि नहीं हम लोग शादी नहीं करेंगे। इसे करने से शादी लाइफ टाइम तक नहीं टिकता है, नहीं टिकता है वो कपल्स लाइफ टाइम तक नहीं टिकते हैं। तो आज का दिन में और अभी के समय में हमारा गांव एकदम सुनसान,
टोटली चुपचाप। पापा का ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, घर के साइड साइड में मैं चरा रहा हूँ बकरी साहब को, जंगल के साइड में नहीं लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि एलिफेंट आए हैं ना, बहुत ही बढ़िया चार रहे हैं बकरी साहब। अभी टाइम हुआ है 5:30 और हम लोग निकल गए हैं, एक हमारा गांव के पास में ही मेला हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मेला है, उधर घूमने के लिए जा रहे हैं। पूरा रात होते जा रहा है दोस्तों, शाम हो गया है, मन में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि कहीं मेला तो खत्म नहीं हो रहा है, हम पहुंचते पहुंचते अगर खत्म हो जाएगा तो बहुत ही अफसोस लगेगा दोस्तों, इसी वजह से थोड़ा स्पीड जाने के लिए पड़ रहा है। और नाइट प्रोग्राम भी है, लेकिन नाइट घूमना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, डे टाइम में जो मजा लगता है ना, नाइट टाइम में उतना मजा नहीं लगता है, ठंड लगता है और बस वही यात्रा वात्रा देखने के लिए लोग आते हैं, और हम लोग तो यात्रा लोभ नहीं, देखेंगे घूमेंगे एंटरटेनमेंट करेंगे खाएंगे पिएंगे लौट जाएंगे नहीं। हाँ। बाइक को हम लोग गैरेज पर रख रहे हैं, यह न्यू बाइक है ना, इसी वजह से थोड़ा इधर उधर रखने के लिए मन नहीं कर रहा है। वह मानना पड़ेगा दोस्तों, एकदम तगड़ा गैदरिंग हुए हैं, तगड़ा लोग आए हैं दोस्तों, डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है इधर, लगभग 6-7 ग्रुप आए हैं डांस करने के लिए, चारों तरफ डांस हो रहा है दोस्तों, ट्रेडिशनल डांस कॉम्पिटिशन। देखिए इस साइड में भी डांस कर रहे हैं, चैन डांस दोस्तों, छाता पता पकड़ करके डांस कर रहे हैं, और इस साइड में भी देखिए ये लोग रुक गए हैं, शायद थक गए हैं, और उस साइड में भी एक उधर का ग्रुप हो रहा है दोस्तों, उधर देखिए उधर भी डांस कर रहे हैं, और एक इस साइड में इधर देखिए, थोड़ा अंधेरा हो गया है दोस्तों, और इधर नाइट प्रोग्राम के लिए रेडी कर रहे हैं, यात्रा होगा दोस्तों, स्टेज पे स्टेज सब कुछ बना रहे हैं, चेयर फेयर डाल दिए हैं, लगभग 3-4 हजार चेयर डाले हैं, नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन मन में आ रहा है कि फुल नहीं कर पाएंगे लोग, थके ही रहेगा ना चेयर सब। हाँ, लोगों को लग रहा था कि डांस कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी शुरू हो रहा है, पहले इसे नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए देखिए दोस्तों, सभी लोग ही माथे में, वो हमारा ओडिशा मंडिया लैंग्वेज में बोलते हैं, कौन से हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मुझे पता नहीं है, एक एक सिंगल सिंगल लेकर के डांस कर रहे हैं, और उसमें नंबरिंग किए हैं, यही डांस देखने के लिए हम लोग आए हैं दोस्तों, बट इधर सिंगल ही लेकर के डांस कर रहे हैं, नहीं तो उस प्लेस में 3-4 लेते हैं, माथे पे 3-4 लेकर के डांस करते हैं। एक्चुअल में मस्तान ये जो डांस कर रहे हैं ना, विनर को कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं देख करके हम लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग किए हैं, सभी लोग घेर लिए हैं इस जगह को, चारों तरफ पूरा जाम गए हैं, देख रहे हैं, तो जैसे सोच रहे तो वैसे ही सिलेक्शन होगा। इधर एक दादी माँ को मैंने पूछा, वो बोल रहा है कि जो सी को माथे में रखते हुए लास्ट तक डांस करेगा वही विनर बनेगा, अभी म्यूजिक भी स्पीड हो रहा है और डांस भी स्पीड हो रहा है, देखिए फर्स्ट एक गिरा दिया है ना, एक गिरा दिया है, अभी नॉर्मली धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही बॉडी को हिला करके डांस कर रहे हैं, और थोड़ा म्यूजिक भी बढ़ाएंगे, स्पीड करेंगे म्यूजिक के हिसाब से, बॉडी भी स्पीड होगा उसका, इसके अंदर पानी है, पानी के साथ लेकर के डांस कर रहे हैं। प्राइस क्या रखे है बताओ ना, क्या प्राइस रखे है, प्राइस क्या है, फुल प्राइस क्या रखा है, सोना का क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो कान में पहनते हैं इधर, गोल्ड का कानफूल सोना का कानफूल प्राइस रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन प्राइस रखे हैं। नया बाइक चाबी के लिए खरीदने जा रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, लोक और या क्या, ये गिटार या क्या बोलते हैं, या कानकोटरा बोलते हैं, ये कानकोटरा लगाकर अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा वाला लेंगे, ये वाला है, नहीं वाह मस्त लग रहा है अभी, और 200 रुपये जगह रखे हैं, दोनों तरफ से ही ओरिजिनल लग रहा है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट है, देखो ना अच्छे से, देखो ना इधर गांधी जी दिखाई दे रहा है या नहीं, देखो ना दिखाई दे रहा है गांधी जी, नहीं ये तो पूरा नया है, नया पर गिरा था उधर, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, बनना पड़ेगा। चलो फ्री में एक मिल गया दोस्तों, जिस दुकान में हम लोग लोकर हम लोग
दिखाओगे? पास आओ ना, उधर दूर से क्यों पूछ रहे हो, पास आओ, थोड़ा खड़ा होकर के बातचीत करो, हम लोग बता रहे हैं ना। बताओ, चलो चलो गूगल ओपन करो। अरे भाई रिचार्ज नहीं है। तो भाई पहले रिचार्ज करो, अभी भूल जाओगे। अच्छा ठीक है, बताओ मैं याद करूंगा। चलो तो फिर मैसेज ऑन करो, मैसेज में टाइप करो जवाराम ब्लॉक्स। जवाराम ब्लॉक्स जे ए बी ए आर ए एम स्पेस ब्लॉक्स। एक ही गाली में स्टेशनरी दुकान लगाए हैं, देखिए यही गाली में स्टेशनरी दुकान, और दूसरा गाली नहीं है दोस्तों। और एक गाली है कि आधा आधा नहीं, हाफ। हाँ हाँ, दो गाली है दोस्तों, वन हाफ।